दुपट्टा की डिज़ाइनिंग ड्रेस की डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप भी दुपट्टा की डिज़ाइन देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो जुड़े रहें और वीडियो को एंड तक कम्प्लीट वॉच करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरए फैशन प्लैनेट। व्यूवर्स कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक खुशबाश होंगे। पहले ये होता था कि ड्रेस की डिज़ाइनिंग में दुपट्टा की डिज़ाइनिंग को इग्नोर कर दिया जाता था या सिंपल सी कोई पीको करवा ली जाती थी। अब दुपट्टे की डिज़ाइनिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है और इसकी एक प्रॉपर वे में डिज़ाइनिंग की जाती है। दुपट्टा को स्टाइलिश बनाने के लिए और इसको एक खूबसूरत सा लुक देने के लिए डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स आपको इस एक ही वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और जुड़े रहिएगा। यहाँ पे फ्रिल और फ्लावर लेस को एक साथ जोड़ दिया गया है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इस तरह से आप कलर कंट्रास्ट और कॉम्बिनेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस तरह से आप कंट्रास्ट कलर में डिफरेंट शेप्स को भी दुपट्टा की डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कर सकती हैं। आप चारों तरफ भी ये डिज़ाइनिंग कर सकती हैं या आप पल्लू पल्लू पे भी ये डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। इस दुपट्टा की डिज़ाइनिंग बहुत ही आर्टिस्टिक वे में की गई है, जैसा कि आप देख रही हैं लूप्स को एट अ टाइम यूज़ किया गया है। इसके अलावा कटवर्क को यूज़ किया गया है और उनमें बीड्स का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप भी इस तरह का हैवी स्टाइलिश दुपट्टा बनाना चाहती हैं तो आप बना सकती हैं। समर सीज़न में जिस तरह से हमारे ब्रांड के हैवी ड्रेसेस होते हैं और हम चाह रहे होते हैं कि अपने दुपट्टे को भी हमें खूबसूरत और यूनिक लुक दें, तो उसके लिए आप इस किस्म की डिज़ाइनिंग कर सकती हूँ, चाहे दुपट्टा लॉन का हो या कॉटन का हो। यहाँ पे हाफ सर्कल को दुपट्टा की डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया गया है जो कि कंट्रास्ट कलर में है। तो इस तरह से आप सेम पैटर्न को, सेम शेप्स को डिफरेंट कलर और डिफरेंट साइज में ट्राई करके अपने ड्रेस को, अपने दुपट्टा को खूबसूरत बना सकती हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, दुपट्टा की डिज़ाइनिंग के लिए ट्रायंगुलर शेप्स भी यूज़ की गई हैं या समोसा शेप्स जिनको कहते हैं, रेक्टेंगुलर शेप्स भी यूज़ की गई हैं, स्क्वायर शेप्स भी यूज़ की गई हैं और इसके साथ साथ हाफ सर्कल पैटर्न भी यूज़ किए गए हैं। आप इन डिफरेंट पैटर्न्स को कंसेक्यूटिवली भी यूज़ कर सकती हैं या आप गैप के साथ एक प्रॉपर पैटर्न के साथ यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पे दुपट्टा के चारों तरफ कटवर्क बना के उसमें बीड्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। इसके अलावा मार्केट में आजकल बहुत ही स्टाइलिश किस्म के टसल वगैरह मिल जाते हैं, आप उन टसल्स वगैरह को भी यूज़ कर सकती हैं या इस तरह से आप रफल्स भी यूज़ कर सकती हैं। आप रफल को दुपट्टा के पल्लू पल्लू पे भी यूज़ कर सकती हैं। अगर आपका सूट थोड़ा सिंपल है तो उसके लिए आप दुपट्टा के चारों तरफ रफल यूज़ कीजिएगा। बस दुपट्टा की डिज़ाइनिंग के लिए आप जो पैटर्न भी चूज़ करें, जो मेथड भी चूज़ करें, उसमें एक बात का ख्याल कीजिएगा कि कलर जो शार्प कंट्रास्ट हो उसमें आप दुपट्टा की डिज़ाइनिंग करें। हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने व्यूवर्स के लिए बेस्ट एंड लेटेस्ट कलेक्शन लेके आऊं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और इसे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। कमेंट करके मुझे वीडियो का फीडबैक भी ज़रूर दिया करें ताकि मैं आपके लिए हमेशा इस तरह से अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग द वीडियो।